नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासत के गलियारे की बड़ी खबर से। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार पीके ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर ही दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इन सभी पर प्रशांत ने खुद ही विराम लगा दिया और कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप की जरूरत है और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर अंतर विरोध पहले ही नजर आ रहा था, अब यह असमंजस खत्म हो गया, वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इसके पहले उन्होंने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिखाया था। इसके बाद सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने की सलाह मांगी थी। कमेटी ने सलाह दी कि प्रशांत किशोर पार्टी में आए तो बाकियों का साथ छोड़ दे। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पहले ही प्रशांत से किनारा कर लिया था। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ट्वीट किया है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। पार्टी एक युवा नेता की पिटाई के आरोपों का सामना कर रहे तेज प्रताप ने आरजेडी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में भी बयानबाजी तेज हो गई है। तेज प्रताप के बहाने नितिन नवीन ने तेजस्वी पर तंज कसा, कहा घर और परिवार संभल नहीं रहा, बिहार कैसे संभालेंगे। तो इधर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेज प्रताप का साथ दिया, तेजस्वी पर साजिश करने का आरोप लगाया। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी को ये खुद का मामला बताया। मेरा ये कहना है कि तेज प्रताप जी को तो पहले तो ये तय करना चाहिए ना कि फसाया कौन, जिस पार्टी को अभी चला रहे हैं लालू जी और तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने फंसाया। तो सीधे सीधे भाई के बारे में बोलने से बच क्यों रहे, जो सही बात है। और उनको तेज प्रताप जी को अब राजनीतिक दिशा समझनी चाहिए। वो हर समय केवल ये रोना रोने से नहीं चलेगा, जो बात सही है निकल के सामने आके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कभी किसी पर बीटिंग ऑन द बुश, एक इंग्लिश में कहावत है, तो कभी इधर पटक रहे हैं कभी इधर पटक रहे हैं। अरे जो सही विषय उसको पटक के लाइए ना जनता के बीच में, तब ना समझ में आएगा। देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र और हसनपुर के माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी के साथ अब तेजस्वी जी अत्याचार करवा रहे हैं। पहले अपने लोगों से उन्हें मंदबुद्धि, भक्चोदर और पता नहीं क्या क्या गालियां दिलवाई और अब फिर से एक साजिश के तहत उनको दल से बाहर निकालने की तैयारी। के पूर्व विधायक और नेता चितरंजन शर्मा के चाचा और भतीजे की पूरी प्लानिंग के साथ हत्या कर दी गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों को एक ही समय में दो जिलों में गोली मारी गई। अपराधियों ने पूर्व विधायक के चाचा अभिराम शर्मा को जहानाबाद में उनके होटल में घुसकर और भतीजे को दिनेश शर्मा को उसकी किराना दुकान में गोली मारी। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और जहानाबाद में सड़क पर उतरकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। जिस तरह से अपराधियों ने एक समय में दोनों जगहों पर घटना को अंजाम दिया, इसे यही लगता है कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। करीब करीब इसी वक्त पर जहानाबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे आरोपियों ने पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के चचेरे भाई दिनेश शर्मा की दुकान पर धावा बोला। जिस वक्त उन पर हत्यारों ने घात लगाया, उस वक्त अपनी दुकान खोल ही रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने दिनेश शर्मा पर गोलियों की बौछार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसे किए हुए जो मर्डर है, ये चुनौती भी है और कोऑर्डिनेटेड भी है, हम जल्दी से जल्दी इसको क्रैक करेंगे। हत्या का कारण क्या हो सकता है, क्या जिस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है? हत्या कारण ऐसा लग रहा है कि जमीन का या पुरानी थोड़ी दुश्मनी का रीजन रह सकता है, बाकी अनुसंधान के बाद। बिहार में नियोजन में विलंब होने के से नाराज एसटीईटी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पटना में प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें सचिवालय के पास रोक लिया।
सातवें चरण के नियोजन के संबंध में एसटीईटी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और विभाग की तरफ से उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। जब भी वह सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछते हैं तो बस एक ही जवाब मिलता है, छठे चरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। पिछले 2-3 सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आगे बढ़ने से मना कर दिया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्त करने की मांग की है। 7 चरण के विज्ञप्ति के मांग करने आए हैं शिक्षा मंत्री से। हम लोग को 3 साल से बरगलाया जा रहा था, दिसंबर में ही हम लोग सीटेट पास किए हैं। 3 साल से हम लोग रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि हैं शिक्षा मंत्री और उन्हें हमारी परवाह नहीं है। बिहार के विद्यालय में शिक्षा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका बच्चा नहीं पढ़ता है बिहार के विद्यालय में। बिहार के विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ता है, इसलिए शिक्षा मंत्री को गरीब बच्चों की चिंता नहीं है। अपने कथन से पलटे नहीं शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोला था कि छठा चरण तुरंत बाद शुरू करेंगे, लेकिन तुरंत बीत गया लेकिन शुरू नहीं हुआ। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपनी अदा का जलवा दिखा चुकी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा इन दिनों बिहार दौरे पर है और वे अलग अलग जिलों में जाकर वहां के बारे में बारीकियों से जान रही हैं। मंगलवार को नीतू नालंदा के राजगीर पहुंची, जहां उन्होंने नेचर सफारी, जू सफारी, स्काई वॉक का भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां तक मैंने राजगीर का प्राकृतिक का नजारा देखा, ये जगह आने वाले दिनों में डिज्नीलैंड से कम नहीं होगा। ये जगह फिल्म शूटिंग के लिए बहुत बेहतर है, इसीलिए बिहार के ऊपर बनने वाली फिल्मों में शूटिंग यहीं करूंगी। खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमको मौका मिला है राजगीर आने का। आज हम जू सफारी देखे, नेचर सफारी देखे और स्काई वॉक देखे, साइकिल जिप देखे, रोप जिप देखे और इतने सुंदर सुंदर पार्क देखे, वाइल्ड लाइफ देखे। आई थिंक ये एक डिज्नीलैंड के लेवल का जो बन रहा है यहाँ पर, हिंदुस्तान का ये डिज्नीलैंड होगा और आप सब आइए यहाँ देखिए, ये बहुत ही सुंदर बना है। और हम कोशिश करेंगे एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, कोशिश करेंगे कि बिहार की जितनी भी भाषाओं की फिल्में हम बनाते हैं बेजोड़ चैनल पर, वो चंपारण टॉकीज़ मेरा प्रोडक्शन हाउस है उसके ऊपर, और हॉलीवुड की फिल्में इन सबको कोशिश करें यहाँ ला के शूट करें, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, और जो चाहिए शूट करने के लिए वो सब हो सकता है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।